गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम सीखेंगे वज्रासन व शशांकासन। वज्रासन के लिए आपको घुटनों के बल बैठना है और आपके पैर के पंजे के अंगूठे के ऊपर अंगूठा रहना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप वज्रासन पर बैठने पर आपकी वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका पाचन तंत्र उत्तेजित होता है और आपकी पाचन क्रिया अच्छे ढंग से होती है। यही एक आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं। भोजन करने के बाद आप 5 मिनट के लिए इस आसन में बैठेंगे तो आपका भोजन जल्दी और अच्छे से पाचन होगा। अब इसको देखेंगे कैसे करना है। इसके लिए आपको घुटनों के बल बैठना है, फिर पैर के अंगूठे का अंगूठा के ऊपर और आपके हील्स पर और आपके हाथ घुटनों पर, इस तरह से आपको वज्रासन करना है। इस आसन में आपको कम से कम 5 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन के लिए भी आपको वज्रासन में बैठना है। हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को सीधा ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। जब तक रुक सके रुके, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। यह हुआ आपका शशांकासन। इस आसन के बच्चों के पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस आसन से ब्लड सप्लाई मस्तिष्क को बढ़ता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है और मेमोरी पावर भी बढ़ता है। इसलिए बच्चों को यह आसन रोज करना चाहिए। यह आसन की एक सावधानी है कि ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आज हमने सीखा वज्रासन और शशांकासन। नेक्स्ट वीडियो में और आसन सीखेंगे। धन्यवाद।